हाय दोस्तों, कैसे हो? तो आ गई हूँ मैं आपके लिए फिर से कुछ नई रेसिपी लेके। आज मैं बनाने वाली हूँ बचे हुए चावलों से मंचूरियन। सुबह चावल बनाए थे तो बच गए थे, हमने कहा आज मंचूरियन का नाश्ता करा जाए। तो इधर ले रखी हमने सब्जियाँ, ये ले रखी मैंने शिमला मिर्ची, टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, गाजर और आलू। गाजर और आलू को मैंने बारीक करके कद्दूकस करके निचोड़ लिया है। तो इधर हमने ले रखे हैं पके हुए चावल। सबसे पहले हम मिक्सी जार में इनको लौट के बारीक करके इनको पीस लेंगे। तो मैंने कहा लाइट चली जाएगी, सबसे पहले हम इन चावलों को ही पीस लेते हैं। आजकल हमारे वहाँ रोज लाइट चली जा रही है, लाइट का भी पता नहीं क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम इनको पीस लेते हैं, हल्का सा पानी डाल के, 2-3 चम्मच पानी डाल देंगे इसमें, ज्यादा हमने गीला नहीं बनाना है इसको। पीस लेते हैं अच्छे से इसको, बिल्कुल बारीक पीसेंगे। तो देखिए मैं चावल को अच्छी तरह से पीस ला गई हूँ। अगर हम इसमें ज्यादा पानी डालेंगे ना तो क्या होगा, ये पतला हो जाएगा। तो हमने इसमें कम पानी डाल के पीसा, इसलिए ऐसे दरदरा हो रहा, तो ऐसा ही हमको चाहिए। मंचूरियन बॉल बनाने की करते हैं तैयारी। अब चावलों में मिक्स करते हैं हम सब्जियों को। तो आप कोई सी भी सब्जी ले सकते हो, अच्छी लगती है पत्ता गोभी ले सकते हो। तो मैंने ले रखी है 2 चम्मच लेते हैं हम शिमला मिर्ची बारीक कटी हुई, तो आधी हमको चाहिए। ये ले रखा है हमने गाजर कद्दूकस कर रखा है, आलू, थोड़ा सा हरी मिर्च डाल देंगे इसमें। अब इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। मसाले में चाहिए हमको स्वाद अनुसार नमक, काली मिर्च और जीरा बना रखा आधी चम्मच। अब हम डालेंगे 2 चम्मच मैदा। चावल का आटा भी डाल सकते हो, बेसन भी डाल सकते हो, पर मैं डाल रही हूँ मैदा। कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं हम इसमें। तो आप कर देते हैं अच्छे से मिक्स आलू गाजर सब्जियों को सब। अगर इसमें मैदा कम पड़ेगा तो हम इसमें मैदा भी ऐड करेंगे। तो अच्छी तरह से इसको गूंथ के बॉल बनाएंगे। चावल की फिलिंग बनके हो गई है तैयार। इधर मैंने तेल चढ़ा दिया है इनको फ्राई करने के लिए। तो हल्का सा हाथ में लगाएंगे पानी, क्योंकि चावल है इसलिए चिपक जाते हैं। हाथ में पानी लगाया है, बनाएंगे छोटी छोटी बॉल। तो मंचूरियन है, छोटी छोटी बॉल बनाएंगे। तो उधर मेरी पोती भी हल्ला करने लगी, दादी क्या बना रहे हो। तो देखिए ऐसी बॉल बना लेते हैं हम, छोटी छोटी। मंचूरियन छोटा ही अच्छा लगता है, ज्यादा बड़ा हो तो अंदर तक नहीं तलता है, तो इसलिए हम छोटी छोटी बॉल बना लेते हैं। तो हाथ में लगाते रहेंगे पानी, पानी लगाएंगे इसलिए क्योंकि ये चावल चिपकते हैं हाथ में बार बार, ऐसे करके हल्का सा पानी लगाएंगे। तो इधर हमारा तेल गर्म हो रहा है, बॉल को बना लेते हैं। और तेल भी हमारा गर्म हो गया है, तो जो हमने बना लिए है उनको तल लेते हैं। एक एक करके इनमें डाल देंगे, सुनहरा कलर आने तक इनको हमने तलना है। बस घुमाते रहेंगे और तलते रहेंगे, और कलर भी कितना अच्छा लग रहा है इसमें। गाजर भी दिख रहा है, हरा धनिया दिख रहा है, आलू दिख रहे हैं। ऐसे भी एक नया स्टाइल का स्नैक्स बना के आप खा सकते हो। जैसे स्नैक्स बनाना है तो ऐसे हम लंबा कर देंगे इसको, और ऐसे तल के हम सॉस के साथ खा सकते हैं। मंचूरियन बॉल हमने बना दिया, इधर चढ़ा दिया कढ़ाई हमने। कढ़ाई गर्म हो गई है गैस ऑन करके, अब इसमें डालेंगे हम तेल। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब क्या करेंगे हम इसमें डालेंगे लहसुन बारीक कटा हुआ। लहसुन के साथ हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे, हल्का सा लहसुन को ब्राउन करते हैं। तो लहसुन की खुशबू तो अपना रंग दिखाती है, कितनी अच्छी खुशबू आती है। कोई चीज में भी डालो लहसुन को तो अच्छे से खुशबू आ जाती है। अब डालेंगे इसमें प्याज बारीक कटा हुआ, प्याज को हल्का सा ब्राउन करते हैं। प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन हो गया, हमने ज्यादा इसको जलाना नहीं है। टमाटर ऐड कर देंगे और शिमला मिर्च। टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाते हैं। जब टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट होंगे ना तो ग्रेवी भी हमारी इसकी गाढ़ी होगी। तो इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक,
टमाटर को पकाते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिए हमारा टमाटर सब्जियां सॉफ्ट हो गई है, हल्का सा इनको दबाएंगे। जब नमक डालो तो नमक से क्या होता है सब्जियां हो जाती है सॉफ्ट। सबसे पहले ले रखा है मैंने टमाटर सॉस एक चम्मच, इसको ऐड कर देंगे और घुमाते रहेंगे। ये ले रखी है मैंने सेजवान चटनी, इसको भी ऐड कर देंगे इसमें। इससे क्या होगा हमारा मंचूरियन चटपटा बनेगा। ग्रीन चिल्ली तो आधी चम्मच ग्रीन चिल्ली भी ऐड कर देंगे इसमें। तो अच्छे से करते हैं मिक्स। अब ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो अच्छे से करते हैं मिक्स। मसाले में हमारी खुशबू आ गई है तो आधा गिलास हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मसाले के साथ इसको पकाते हैं। तो ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो गई है, देखिए अब हम डाल देंगे इसमें मंचूरियन बॉल। और बॉल इतनी बढ़िया पकी है आपको दिखाती हूँ एक बार पिचका के, ये क्या शानदार। आप ऐसे भी खा सकते हो इसको, कैमरामैन कह रहा था तोड़ के दिखा तो मैंने तोड़ के दिखा दिया। तो सब बॉल को ऐड कर देंगे इसमें और अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे हल्की आंच में। सबसे पहले कर देते हैं इसको मिक्स। तो कैसी लग रही है आपको हमारी ये रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आ रही है दोस्तों लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो जब खाओगे ना एक प्लेट में डाल के तो इसी से आपका पेट भर जाएगा, खाना खाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या जबरदस्त लग रहा है हमारा मंचूरियन, वो भी चावल के मंचूरियन बनके हो गए हैं तैयार। गैस को बंद कर देते हैं, सब करके दिखाते हैं। तो कैमरामैन को और मेरी पोती को बहुत जल्दी हो गई है मंचूरियन खाने की, तो सब करके दिखाते हैं। आप लोगों को भी इंतजार हो रहा होगा तो कैसा दिख रहा है। तो लीजिए बचे हुए चावल से हमने बना दिया है मंचूरियन। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी दोस्तों? रेसिपी पसंद आई तो लाइक फॉलो करना, मेरे चैनल में जाके सब्सक्राइब करना। तो पता है आपको ये मैंने लॉकडाउन में बनाया था, जब कुछ सामान नहीं था घर पर तो मैंने इसी तरीके से चावल से बनाया था। और सब्जी हमारे घर पर आपको पता ही है हम लगाए रहते हैं, तो आलू भी हुए थे उस समय, गाजर भी बोई थी। तो मैंने बना दिया ऐसा मंचूरियन। तो इसमें हमने विनेगर कुछ भी नहीं डाला क्योंकि साधारण तरीके से बनाया हमने। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी जल्दी से कमेंट करना, ठीक है? और शेयर कर देना दोस्तों में। इसे कैसा हो रहा मंचूरियन, जोर से बोलो बताओ कैसा हो रहा।